वेलकम। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज से एक श्रृंखला शुरू हो रही है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आरआरबी के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियंस के लिए जो बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकली है उनके लिए उनके प्रीवियस ईयर्स पेपर के सीरीज को मैं शुरू कर रहा हूं। ये फर्स्ट सीरीज है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों के किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन का एक सेट होगा और ऐसे मैं ढेर सारे सेट्स लगातार पोस्ट करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों सेक्शन में आपका कमांड होगा। इसके बाद जीएस सेक्शन में देखूंगा कि कितना क्या कुछ किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन पेपर है मेमोरी बेस्ट, इसमें करीब 75 क्वेश्चंस हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और रीजनिंग से हैं। 15 मैथमेटिक्स का पार्ट है और 5 रीजनिंग का पार्ट है। इन 20 क्वेश्चंस का एक बड़ा सेट ये वीडियो होगा और इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स सेक्शन में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 7, फिर 8 लिखूंगा और फिर 5 रीजनिंग के लिखूंगा। तो आइए, क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं, समय भी आपके पास काफी होता है, सही अप्रोच के साथ आप बनाएंगे तो एंजॉय करेंगे और सक्सेस आपको मिल के रहेगा। किसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्यूशन कैसे हुआ ये देखिए, क्या अप्रोच लिया गया ये देखिए, वहां कुछ चेंजेस होंगे, अलग तरह के क्वेश्चंस बनेंगे तो उन्हें आप कैसे करेंगे ये देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन में पेन पेपर की जरूरत नहीं होगी, कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाना बेहतर रहेगा, लेकिन वैसे क्वेश्चन का अपना एक नेचर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स का वैल्यू 2 है, 2 का मतलब हाफ, हाफ माइनस हाफ 0, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे ही लिखता हूं। ये समझ में आया ना, 2 एक्स का वैल्यू 2 तो 1/2 यानी 0.5 माइनस 0.5 यानी 0। दरअसल मेरा अप्रोच ये है कि जिनका मैथमेटिक्स वीक है उन्हें भी सब कुछ समझ में आए, इसलिए मैं दोबारा भी बोलना चाहूंगा, उस स्तर तक बोलना चाहूंगा जहां किन्हीं को दिक्कत न रह जाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ 3:5 टू मेक द रेशियो 5:6। बनाया जा सकता है, बनाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट। दरअसल रेशियो के दोनों टर्म में वो नंबर को ऐड किया जाना है सो दैट कि ये नया रेशियो मिले। तो आप देखिए, करके भी दिखाऊंगा, पहले ऐसे ही बताता हूं कि आप कैसे बना पाएंगे बिना पेन पेपर के। 13 and 3 16 होगा, 13 और 5 18 होगा, 16/18 करेंगे तो 16/18 को कैंसिल भी करेंगे तो कुछ फायदा नहीं, 16 को 8 करेंगे, 18 को 9 करेंगे तो वो तो आया नहीं, तो वो होगा नहीं। 7 7 + 3 10 और 7 + 5 12 10/12 यानी 5/6। यस, दिस इज द आंसर। मैं करके भी दिखाऊंगा, रुकिए, दूसरे में भी देख लीजिए, मैं दिखाता हूं। मैं जो कर रहा हूं वो क्या है कि मुझे लाना है 5/6, ये आता है कि नहीं। तो 3/5 जो है उसमें फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम ऐड करें 13 और नीचे भी 13 तो आप देखिए 16/18 होता है। कैंसिल कीजिए क्योंकि ये लोएस्ट टर्म है, तो ये 9 हुआ, ये 8 हुआ, तो ये तो नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं हुआ। फिर उसके बाद बोले कि 3/5 है, ठीक है, इसमें अगर 7 ऐड करें ऊपर भी नीचे भी दोनों टर्म में तो ये क्या होगा, तो 10/12 यानी कि 5/6,
तो यस, ये तो था 5/6, तो ये इक्वल है और ये सही है। ऐसा ही दूसरे में भी करेंगे तो नहीं आएगा, नहीं करता हूं, आंसर मिल चुका, वैसे ही आप दूसरा भी कर सकते हैं। समझ गए कि ये अप्रोच क्या है, और इसी काम को हमको बिना लिखे अगर संभव हो तो क्यों नहीं करना, क्यों लिखें, ठीक है। इसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 - 2 × 8 - 2/8 + 2 × 5। लेकिन है क्या इसमें 8 + 2 = 10 और 5 × 2 = 10, खत्म। 8 - 2 = 6, 8 - 6 = 2, दिस इज द आंसर। सॉल्व तो आप करते रहेंगे, लेकिन व्हाट शुड बी द बेस्ट वे, हमें 8 - 2 × 8 - 2, तो ये 6 हुआ, और 8 + 2 यानी 10 हुआ। हम कुछ भी क्यों करें, हम ऐसा क्यों न करें और मन में क्यों न करें, बोलिए, इसको समझे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, कोई भी बनाएंगे, बट व्हाट शुड बी द बेस्ट वे, मैं बात करता हूं हर तरह से, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर्स इज 18, फाइंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 कंजुगेटिव नंबर्स। 3 लगातार क्रमिक संख्याओं का जोड़ सम 18 है, एवरेज 6 है कि नहीं। आप बोलेगा एवरेज कहां से आ गया, आया ना, यही तो एवरेज चैप्टर की विशेषता है, एवरेज 6 है। फाइंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 कंजुगेटिव नंबर्स, नेक्स्ट 3, तो उसका जो एवरेज होगा इसके एवरेज से 3 मोर होगा, तो 6 + 3 = 9, और एवरेज 9, तो सम 9 × 3 = 27 इज आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 27 इज द आंसर। अब मैं बताता हूं कि मैंने किया क्या, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि एक नंबर अगर एक्स है तो दूसरा x - 1 है और तीसरा x + 1 है, और मान लीजिए इसी के ठीक बाद आता है कि इसका एवरेज y है, तो ये y - 1 है और ये y + 1 है। हालांकि आप जानते हैं कि इसे हम x बोलें तो +1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी नए सिरे से हम इसको x माने तो आप x + 1 x + 2, क्योंकि लगातार है, x + 3 x + 4 और x + 5 ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस और दिस। करूंगा नहीं, दरअसल मैंने जो किया है वो क्या किया है वो बताने के लिए किया है। अब इन तीनों का सम क्या दिया है, 18। हमने कहा एवरेज क्या होगा, 6, मिडिल वन इज सेट टू बी द एवरेज, तो ये 6 हुआ मैंने कहा। फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट 3 तो उसका भी बीच वाला 1, 2, 3, मैंने कहा कि दिस इज नाइन, सो सम इज व्हाट, मैंने कहा कि यहां इन 3 का एवरेज 9 है, तो सम क्या है, 9 × 3 = 27। यही अप्रोच था मेरा जो मैंने सॉल्व किया। हालांकि आप बनाना चाहें तो बोल सकते हैं कि सम अगर 18 है तो मिडिल 6 है, ये 6 है तो ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, तो ये क्या है, यही पूछा था,
27 बोलिए समझे कि नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ये लॉग है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो रेलवे के एग्जाम्स हैं, हालांकि एसएससी के ज्यादा सिमिलर हैं बैंक की तुलना में, पर कुछ अंतर हैं। कैलेंडर, क्लॉक एंड लॉगरिथम, ये तीन ऐसे चैप्टर हैं जो एक्स्ट्रा हैं, रेलवे एग्जाम में आते हैं। तो लॉग है, लॉग की मैं सीरीज शुरू करूंगा। आसान है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में आप आइए देख लीजिए। ये क्या है, फिफ्थ नंबर, ये पूछा है कि लॉग 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब एक्स है तो इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है, लॉग लिखने का एक तरीका है। जैसे अगर बोलें कि लॉग 16 क्या है, तो जो पावर है वो है, मैं बताता हूं, टू द बेस 10, मतलब टू द बेस 4। तो अगर हम 4 स्क्वायर को 16 कहते हैं तो लॉग ऑफ 16 4 होता है। ये लिखने का तरीका है, लेकिन देखिए 2 होता है, बेस क्या 4, समझ गए। ऐसे ही अगर आप बोलेंगे कि नहीं 2 to the power 4 16 होता है, तो जो लॉग हमने निकाला 16 का वो क्या होता है 4, लेकिन बेस क्या तो 2। ये लिखने का तरीका है, नए ढंग से एक्सप्रेस करने का तरीका है। पावर को ही लॉग कहते हैं, रफली ऐसा समझ लीजिए। तो 125 जो है वो कितना पावर आता है, तो किसका पावर है, तो 5 का। तो हम जानते हैं कि दरअसल इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का पावर x करने से 125 आना चाहिए, दैट इज 5 क्यू, यानी कि x इक्वल टू 3। समझ में आ गया, यानी b इज द आंसर। बोलिए ये समझे कि नहीं? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। सिक्स नंबर क्वेश्चन आते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, देखने में ऐसा लगता है अगर कहना चाहें तो 2 to the power जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2/3 ऑफ 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू -5 एंड सॉल्व इट। यही तो करना है, यही वहां है, मतलब ये जो लिखा हुआ है 2, तो पावर ऊपर चला गया। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा रहे कि 6 to the power 3 और कुछ पावर 5, तो दरअसल ये होता है। और जब दो नंबर बराबर हैं, बेसिस सेम है, तो पावर सेम होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 2/3 हो गया, 2 into और 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 to the power -5। बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2/3 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू -5। तो आप देखिए इसको सॉल्व करना है, जैसे भी लीजिए 3 को वहां लेके चले जाते हैं, तो 4x प्लस 1
इज इक्वल टू माइनस 50 बोले लिखेंगे, यानी ये माइनस 16, यानी x इज इक्वल टू माइनस 4, यानी 4x इज इक्वल टू माइनस 16, x इक्वल टू माइनस 4. दिस इज द आंसर, माइनस 4 ए इज द आंसर. बोलिए ये समझे कि नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. आइए नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए ये जो सेट है, ये जो क्वेश्चन है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन. ए टू डिजिट नंबर इज सेवन टाइम्स द सम ऑफ इट्स टू डिजिट्स. द नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. व्हाट इज द नंबर? देखिए, इंग्लिश हिंदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी है तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो हिंदी में ही ना, लिखा हुआ इंग्लिश में है ताकि इंग्लिश मीडियम और साउथ इंडियंस जितने भी हैं उनको बढ़िया से समझ में आए ये, इसलिए लिखना तो इंग्लिश में होगा. इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा. एक तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो ऑप्शन मेथड है, ऑप्शन मेथड है, ऑप्शन मेथड. ऑप्शन मेथड भी दो तरह से, और फिर मैं दूसरे तरह से भी बात करूंगा, बट ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट है. एक टू डिजिट नंबर है और पूछा है कि वो टू डिजिट नंबर कौन सा था, तो हम लोग बोलेंगे मान लेते हैं कि 52 था. ओके, 52 था, 52 था. ओके, तो वो जो 52 है वो 7 टाइम्स है सम ऑफ इट्स टू डिजिट्स. तो इसका जो टू डिजिट है 5 + 2 = 7, 5 + 2 यानी कि 7, उसका 7 टाइम्स है, पर 7 टाइम्स तो 49 होता है, कहां इक्वल है? तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है. देखिए ऑप्शन मेथड नो बात करने जा रहे हैं, ऑप्शन मेथड और उसमें भी फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, तो ये सही नहीं है. दूसरा आइए 42. ओके, तो 42 जो है उसके जो डिजिट के सम है, अंकों के, अंकों का जोड़, ये 4 + 2 यानी कि 6, ये इसका 7 टाइम्स ये होना चाहिए. तो यस, ये तो है, ये तो है, दिस इज द आंसर. आप आगे भी लिख सकते हैं कि ये 62 है, तो 6 + 2 तो 8 होता है, 8 होता है, और 8 का 7 टाइम्स करने से तो 56 होता है, ये तो सही नहीं है. इसी तरह से लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे, ये मुझे समझाना है इसीलिए. तो 2 + 7 कोई नंबर उसके डिजिट्स का सम यानी 9 उसके 7 टाइम्स के बराबर है, ये कह रहा है, तो ये तो नहीं है, इसका मतलब ये गलत है. हमने पहले लिखा था 42 इज द आंसर, बी नंबर 42 इज द आंसर, 42 इज द आंसर. ये ऑप्शन मेथड का फर्स्ट मेथड था. इसमें दो बातें कही गई थी, टू अननोन्स हैं तो टू इक्वेशन चाहिए, तो दो बातें कही गई थी और उन दोनों के आधार पर हम लोग बात करेंगे. तो फर्स्ट के आधार पर ही हमारा ऑप्शन हो जाता है, आंसर हो जाता है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड सेकंड मेथड, यही ऑप्शन मेथड जो दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं. देखिए, तो इसी में मैं बात करता हूं ऑप्शन मेथड का सेकंड मेथड. इसका दूसरा लाइन कहता है कि द नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. डिजिट को बदल दें, 52 को 25 करते हैं तो वो घट जाता है, 18 घट जाता है, 18 लेस हो जाता है. 18 लेस होने का मतलब है कि डिजिट्स का डिफरेंस 2 है. नहीं याद आया, मैंने बताया था बेसिक कैलकुलेशन में आप देखे होंगे कि मान लीजिए कि कहीं 79 है और कहीं 97 है,
797 है और डिजिट चेंज कर दीजिए तो 79 है। दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट होता है, 7 और 9। तो ये जो हम बोलेंगे कि अगर हमको 10 इंटू 9 प्लस 7 ये नंबर था, 10x प्लस y टाइप का नंबर था, x y डिजिट्स थे, तो हम क्या बोलेंगे? अगर हमको मालूम है कि ये 18 है तो इसका मतलब है कि 9 इंटू 2 2 इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स, 18 है। और लेस है, घट जाता है, तो x से y को छोटा होना चाहिए, 97 होना चाहिए, 79 नहीं। 97 होगा तब तो पलट देंगे तो 79 लेस हो जाएगा, यानी ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। कितना? 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 52 3 का डिफरेंस है, नहीं होगा। 42 2 का डिफरेंस है, यस ये होगा, माने हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 64 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। 62 नहीं हो सकता है, 4 का गैप है, 27 नहीं हो सकता है, ये तो बढ़ जाएगा, और गैप भी 5 का है, इसलिए ऑप्शन साफ कहता है कि 42 इज द आंसर, 42 इज नॉट द कंफर्म आंसर, लेकिन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, मैं पता है। क्यों बात की? ये हमने बात किया कि ये मीनिंग है 52 में, इसको बड़ा होना चाहिए, इसको छोटा होना चाहिए, 5 और 2 का गैप 3 है, ये 2 के बराबर नहीं है, गैप शुड बी 2, इसलिए नहीं होगा। 42 यहां पर 4 माइनस 2 2 है, ये 2 के बराबर है 2 के बराबर है, इट इज पॉसिबल। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये आंसर होगा कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये आंसर हो सकता है। 62 इसमें 6 माइनस 2 4, ये 2 के बराबर नहीं है, सवाल नहीं उठता। 27 ये भी देखिए 7 माइनस 2 5, ये 2 के बराबर नहीं है, सवाल नहीं उठता, इसके अलावा स्मॉलर भी है, ऑल्सो स्मॉलर, 2 इज लेस देन 7 ये भी है, इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि बड़ा होना चाहिए 10 प्लस। तो चूंकि यहां नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन अपने आप में सफिशियंट है। बोले समझ में आया कि नहीं? सो आंसर इज 42, यानी बी नंबर 42 इज द आंसर। ये समझ गए? ये बेस्ट मेथड है, इसके बाद एक्स वाई मान के बनाइए वो बेकार है। इसमें ऑप्शन मेथड में इन दो तरीकों में से किसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये 7 क्वेश्चंस पहले हुए, फिर आइए हम लोग और 8 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स सेक्शन के करेंगे, फिर 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के करेंगे। टोटल 15 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे इस मेमोरी बेस्ड पेपर में, और इन सबको हमें करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज 20,925 इन 2 ईयर्स एंड रुपीज 24,412.50 इन 5 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी। देखिए क्वेश्चन बहुत सुंदर है, देखने पर यह लगता है कि कैलकुलेटिव है, और सचमुच कैलकुलेशन है, लेकिन यदि आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया उस अप्रोच का जो कि जरूरी है, तो आपको मजा आ जाएगा। आइए बताता हूं, मैं पहले इसका मैप बता दूं कि क्वेश्चन का मैप क्या है, फिर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कुछ नहीं कहा तो सिंपल इंटरेस्ट है, हाँ यहां पर प्रिंसिपल होगा 2 इयर्स के बाद, ये कुछ हो गया, कितना हो गया मैं बताता हूं, रुपीज 20,925, ठीक, और 3, 4, 5 5 इयर्स के बाद ये हो गया, कितना हो गया मैं लिख देता हूं, 24,412.50 ये वाला यहां पर हुआ है, ठीक है, यहां पर। इसका मतलब क्या है? चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पर मिलता है जो कि शुरू में था, एंड दैट इज कांस्टेंट। तो यहां जो प्रिंसिपल था उसमें 2 इयर्स का इंटरेस्ट ऐड करने से ही आया,
हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी टू इयर्स का इंटरेस्ट इसमें से लेस कर दें तो प्रिंसिपल मालूम हो जाएगा, और प्रिंसिपल मालूम होगा तो हम दो रेट निकाल सकते हैं कि वन ईयर का इंटरेस्ट कितना है और वो कितना परसेंट है। उस पैसे को छोड़ दें तो आगे कंटिन्यू करता है तो फाइव ईयर्स के बाद इतना होता है, यानी नेक्स्ट थ्री ईयर्स तक वो यहां तक रहा, थ्री ईयर्स तक यहां तक रहा, तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो थ्री ईयर्स का इंटरेस्ट है। इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, आई तो इसको इसमें लेस कर दें। ऐसे कैसे लेस कर दें, लेस हो नहीं रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा, 925 कैसे 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 ऐसे 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 75 इंक्रीज कर दें 75 इंक्रीज कर दें तो 487.5 ना हो जाए, और ये 21,000 को 24 से लेस कर दें तो इतना ना हो जाए। बोले समझ में आया कि नहीं, ये काम जो मैं हर जगह करता हूं, आगे भी है। मैंने क्या किया मैं बताता हूं, पहले मैंने कहा कि 24,412.50 में 20,925 लेस करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा कि अगर दोनों ओर हम 75 ऐड कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा, क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि ये 24,487.50 हो जाएगा और ये 21,000 हो जाएगा, बस। तो इसीलिए हमने लिखा। बोले समझ में आया कि नहीं, बात अभी खत्म नहीं हुई। थ्री इयर्स का इंटरेस्ट इतना है तो हम लोग इसको थ्री से डिवाइड कर दें तो वन ईयर का इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा, और वन ईयर का इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा तो उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें तो टू इयर्स का इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा, और उस टू इयर्स के इंटरेस्ट को इसमें लेस कर दें तो प्रिंसिपल मालूम हो जाएगा। ये क्वेश्चन का मैप है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है थ्री से डिवाइड करना, पसंद नहीं है, इसको थ्री से डिवाइड करें तो वन ईयर का इंटरेस्ट मालूम हो जाए और फिर टू से मल्टीप्लाई करें। अरे पहले टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना और फिर थ्री से डिवाइड करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करें, इजी ग्रुप में तोड़ते हैं, 348 लेते हैं तो 696 और इधर से 697 और ये 5 ये होता है, डबल करते हैं तो ये होता है, और थ्री से इसको कोई डिवाइड नहीं करता, ये तो डिवाइड हो जाता है, ये तो डिवाइड हो जाता है, यानी कि हमने इसको टू से पहले मल्टीप्लाई किया और फिर थ्री से डिवाइड किया तो ये ऐसा ना हो गया, ऐसा ना हो गया 2325। और अगर आपको वन ईयर टू इयर्स का इंटरेस्ट मालूम है तो 20,925 में लेस कर दीजिए 2,325। दिख रहा है ना हम लोग अलग अलग करेंगे, क्योंकि 18,000 बचेगा और ये 600 ना बचेगा। दिस इज द प्रिंसिपल। इसके बाद हमें रेट निकालना है, लेकिन हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि प्रिंसिपल 18,600 तो एक ही जगह पर है, फिर रेट क्यों निकालें, 6.25% रेट हो गई होगा, नन ऑफ दीज तो है नहीं, और 18,600 सिर्फ एक जगह पर है, इसलिए रेट भी 6.25% हुआ, यानी कि हमारा आंसर बी हुआ। बोलिए ये ठीक ठीक समझ में आया या नहीं। ओके आगे बढ़ूं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। नाइन्थ नंबर, फाइंड द फ्रैक्शन। नाइन्थ नंबर, फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 व्हेन डिनोमिनेटर, मतलब हर अंश हर डिनोमिनेटर
is increased by 4. The same fraction becomes 1 by 8 when the numerator is reduced by 5. अंश 5 से घटा दिया जाए. यानी दो तरीके से चेक कर सकते हैं. Either is sufficient. पेन पेपर की जरूरत नहीं है, वो भी दिखा दूंगा. डिनोमिनेटर को 4 से इंक्रीज कर दें तो हाफ हो जाता है. आइए डिनोमिनेटर 5 को 4 से इंक्रीज कर देंगे, 9 3 बाय 9 तो 1 बाय 3 होता है, 1 बाय 2 तो नहीं आया, नहीं होगा. डिनोमिनेटर को 4 से इंक्रीज कर दें, 8 को 4 से इंक्रीज कर दें, 8 4 12 5 बाय 12 9 हाफ कहां हो, 4 से इंक्रीज कर दें, 8 4 12 6 बाय 12 1 बाय 2 यस दिस इज द आंसर. ये पहला वे हुआ, मतलब समझे हमें हाफ लाना था. कैसा करके लाना था, तो 3 बाई 5 जो है इसके डिनोमिनेटर को 4 इंक्रीज करना था. तो ये जब हम लोग 4 इंक्रीज करते हैं तो 3 बाई 9 1 बाई 3 होता है, ये हाफ नहीं होता इसलिए नहीं होगा. जब हम लोग 5 बाई 8 की बात करते हैं तो 5 बाई 8 4 से इंक्रीज करेंगे तो 5 बाई 12 होगा, ये इक्वल नहीं है. ये हाफ 5 बाई 8 था ना, ये हाफ के इक्वल नहीं है. फिर हम लोग बात करेंगे 6 बाई 8, इसको जब 4 इंक्रीज करते हैं तो 6 बाई 12 यस हाफ होता है, इसीलिए ये आंसर है. आंसर हुआ कौन सा, तो 6 बाई 8 सी 6 बाई 8 इज द आंसर. ये फर्स्ट वे समझे, फर्स्ट मेथड, ऑप्शन मेथड से ही. आइए हम लोग सेकंड मेथड की बात करते हैं. सेकंड पार्ट जो कहा गया ना उसके आधार पर बात करते हैं. आइए जो सेकंड पार्ट है सेकेंड पार्ट कहा जा रहा है वो भी अपने आप में सफिशियंट है. वो कहा जा रहा है कि 1 बाई 8 आना चाहिए. चलिए 1 बाई 8 आता है कि नहीं देखते हैं. कब आना चाहिए, जबकि उसके न्यूमिरेटर को 5 रिड्यूस करते हैं अंश को, तो 3 बाई 5 है. इसमें अगर हम 5 से रिड्यूस कर दें तब तो ये माइनस में आ जाएगा, सवाल ही नहीं उठता. पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं होगा. सेकंड है 5 बाई 8, तो 5 बाई 8 में जब ऊपर हम 5 से लेस करेंगे ये तो 0 बाई 8 0 हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता, नहीं होगा. 6 बाई 8 है, इसमें ऊपर 5 से लेस करते हैं तो 1 बाई 8 यस दिस इज द आंसर. सो सी इज द आंसर. बोलिए ये समझे कि नहीं. फोर्थ ऑप्शन, चूंकि आंसर आ गया हम लोग चेक नहीं किए, लेकिन ये टू स्टेटमेंट्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्टेटमेंट से एक रिजल्ट ना आता हो दो आता हो. जैसे मान लीजिए फर्स्ट मेथड से जब हमने चेक किया था तो हमने इसको छोड़ दिया था, तो 8 बाई 12 था फर्स्ट मेथड में डिनोमिनेटर. अगर हम इसको 4 से इंक्रीज कर दें तो 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, और 8 बाई 16 ये भी हाफ होता है. यानी फर्स्ट वाला जो मेथड है वो कन्फर्मेटरी नहीं था. फर्स्ट वाले मेथड से कन्फर्मेटरी नहीं बोल सकते, उसमें ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है. ठीक है, तो हमें सेकंड मेथड में आना था, तो सेकंड मेथड में भी हमने सी कर लिया. आइए लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ये 1 बाई 8 जो है वो करने से आता है कि नहीं. तो ये 8 बाई 12 है और जब हम इसमें 5 लेस करते हैं तो 3 बाई 12 यानी 1 बाई 4 आता है, यानी ये नहीं है, तब जाकर के ये कंफर्म हुआ. ठीक है, तो फर्स्ट वाले मेथड के साथ इस बात को जोड़ करके आप देखेंगे. ठीक है, आइए आगे बढ़े हम लोग. इसके बाद आ जाइए 10th नंबर क्वेश्चन. 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, एट 1:45 PM द आवर हैंड विल बी इन द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन. तो
क्लॉक कैलेंडर आपको पढ़ना है और इसका एग्जांपल सामने है। क्लॉक का भी क्वेश्चन है, कैलेंडर का भी क्वेश्चन है और लॉक का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। ये रेलवे में आते हैं, हर एग्जाम में नहीं आते, यानी एसएससी और दूसरे में नहीं आते, एसएससी में कभी कभी आते हैं। तो इसमें बनाने की क्या जरूरत है? आवर हैंड आप जानते हैं कि 12 में कहां होता है, 3 में कहां होता है, तो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में क्या होगा? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में होगा। यानी आप जानते हैं कि ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। ये आपको पता है और आपको पता है कि आवर हैंड जब आप बोलेंगे तो ये होगा ना, ये 12 बजे आप बोलते हैं, ये 3 बजे बोलते हैं, तो एक होता है, दो होता है, यही होगा ना, आवर हैंड यही होगा, यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ डी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद आइए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th के बाद 11th नंबर। इफ द 26th अगस्त इन ए मंथ इज फ्राइडे, देन द नंबर ऑफ ट्यूजडे इन दैट मंथ विल बी। देखिए, बनाऊंगा बिना पेन पेपर के बनेगा, लेकिन कम से कम 28 डेज तो होते ही होते हैं किसी मंथ में, जैसे फरवरी, यानी सप्ताह का हर दिन 4 बार तो होता ही होता है। सवाल है 28 के बाद 29, 30th एंड 31st, ये जो 3 डेज होते हैं इनमें कोई तो एक दिन होगा, और जो जो दिन आएंगे 3 डेज ऐसे आएंगे वो 4 से 5 बार हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो एक डे किसी मंथ में आता है वो या तो 4 होगा या 5 होगा। ठीक है, इसमें मैं ऑप्शन नहीं कहता, मैं यूं ही चर्चा कर रहा हूं। तो 4 होगा या 5 होगा, 6 और नन ऑफ दिस का सवाल नहीं है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो जो बेस्ट वे है लेकिन बेस्ट वे बताने के पहले एक बात मैं कहता हूं कि लगातार 28 डेज ले लीजिए, तो हर दिन 4 टाइम्स आ गया। 29th, हर 7 डेज के बाद कोई डे रिपीट होता है, तो 28 के बाद फर्स्ट को जो था 29th को वही होगा कि नहीं? यानी 29 डेज में जो डे पता है उससे प्लस 28 कर दीजिए, 1+28 कर दीजिए, तो वो दिन फिर आ गया ना। जल्दी बोलिए, यानी रास्ता आपको दिख रहा है। ट्यूजडे की बात है, 26 अगस्त को फ्राइडे है, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, 4 डेज के बाद ट्यूजडे आएगा, यानी 26+4 30th ऑफ दैट मंथ ट्यूजडे था। जल्दी बोलिए, तो अगर 30th ऑफ मंथ 30 तारीख को ट्यूजडे था तो उसमें 28 लेस कर दीजिए, तो सेकंड ऑफ दैट मंथ आल्सो ट्यूजडे, तो आपको समझ में आ गया ये 28+1, नहीं समझे? यानी सेकंड के बाद, सेकंड को था और उसके बाद फिर 4 बार था, यानी 5 बार था, 5 टाइम्स ट्यूजडे हुआ। क्लियर? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बना दूंगा। देखिए मैं कैसे बनाता हूं, देखिए ये आपको समझ में आएगा। मेरा कहना है कि 26th उस मंथ के 26th को फ्राइडे है, फ्राइडे था, तो हम लोग बोले ठीक है 30th को क्या होगा? ट्यूजडे। अब देखिए आप 7-7 करके बोलते हैं, देखिए 2 सेकंड को, 9, 16, 23 एंड 30, आया समझ में? यही मैं कहना चाह रहा था, 1, 2, 3, 4, 4 इंटरवल 7-7 के हुए, तो 4 डेज प्लस 1 28, यही 5 दिन है जब ट्यूजडे थे, सेकंड को, 9th को, 16th को, 23rd को और 30th को। क्लियर? तो 5 टाइम्स आंसर हुआ। आगे बढ़ूं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 के बाद 12 नंबर। देखिए
If the diameter of a sphere is 6 meter, its hemisphere will have a volume of diameter, sphere, gola, uska diameter hota hai 6 meter. To radius kya hua? 3 meter. Vyas, diameter 6 meter. To trijya, radius 3 meter. Ardhagola, hemisphere, uska volume bataiye. Pure sphere ka jo volume hota hai 4 by 3 pi r cube, uska half hota hai 2 by 3 pi r cube. Samajh mein aa gaya hoga? Ye hai gola, dekhi. ये है स्फीयर और इसी का इट्स हेमिस्फीयर इसी का हाफ काटते हैं अगर तो इसका जब डायमीटर हम बात करते हैं 6 तो रेडियस क्या हुआ 3 4 by 3 का हाफ 2 by 3 पाई आर क्यूब यानी 3 into 3 into 3 यही होगा ना हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर इसका वॉल्यूम यानी कि 9 into 2 18 पाई मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो भी है मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम यानी कि सी इज द आंसर बोलिए समझे कि ठीक है इसके बाद आ जाइए 12 के बाद 13 नंबर 13 नंबर देखिए What part of an hour elapses from 4:56 p.m. to 5:32 p.m.? एक घंटे का कितना भाग बीता? 4:56 से इतना. 5 के पास खड़े हुई. 5 से 32 minutes and 4 minutes. 36 minutes बीते हैं. यानी 13 में कुछ नहीं है. ये 36 minutes जो है, किसी hour का, एक hour का, यानी 60 minutes का, कितना part है? तो ये 3/5 पार्ट है यानी कि सी इज द आंसर इसमें कुछ था नहीं बहुत आसान सवाल था ठीक है ये समझ गए इसके बाद आइए नेक्स्ट नेक्स्ट 14 नंबर ए सर्टेन डिस्टेंस वाज कवर्ड एट ए सर्टेन स्पीड इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन ट्वाइस टाइम The ratio between new speed and original speed is कुछ नहीं है half को double time में तो पूरे को four time में four is to time is the ratio of their timing so the ratio of the speed is 1:4 so four नए वाले का कम होगा 1:4 B is the answer बताता हूँ कैसे देखिए map देखिए क्या है मान लीजिए कि ये distance है इस distance को t hour में तय किया जाता है हो गया और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस x है किलोमीटर है ठीक तो इसका जो हाफ डिस्टेंस है x by 2 हाफ डिस्टेंस इसको तय करने में डबल टाइम लगता है 2t तो भाई पूरा कीजिए ना तो पूरा करने में 4t ना लगेगा तो नया वाला जो टाइमिंग है न्यू टाइमिंग टू ओल्ड टाइमिंग न्यू इज टू ओल्ड इसको ऐसा बोलते हैं न्यू और ओल्ड तो टाइम का जहां तक सवाल है वो रेशियो है 4:1 तो स्पीड का जो सवाल हुआ 1:4 उल्टा चार गुना समय लगता है 1/4 आपका स्पीड है ना सो बी इज द आंसर बोलिए इस समझे कि नहीं ठीक है ये 14 नंबर है इसके बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है 1 सेकंड इज व्हाट पार्ट ऑफ ए सोलर डे मींस 24 आवर्स 24 आवर्स का 1 सेकंड तो 1 सेकंड 24 आवर्स यानी इतना मिनट यानी इतना सेकंड इसका कितना पार्ट है दिस इज योर आंसर बट सॉल्व करने आना चाहिए सॉल्व कैसे करेंगे तरह तरह से कर सकते हैं मैं बताता हूं किस किस तरह से करेंगे दो टू जीरो छोड़ दीजिए अगर आप बोलते हैं 24 6 जा तो आता ही नहीं कैसे करेंगे 6 जा नहीं करेंगे पसंद नहीं
आंसर सी इज द आंसर। आप बोलेंगे सब कैसे हुआ, मैं बताता हूं कैसे हुआ। 6 × 6 है ना, 36 × 24, ये मुझे दिखा बीच में 30 है, 30 + 6 × 30 − 6, ये मुझे दिखा 30 का स्क्वायर − 6, ये मुझे दिखा 900 − 36, ये मुझे दिखा 864 और फिर 00 दिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। आइए मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन करने के बाद रीजनिंग में मैंने 5 क्वेश्चन देखे थे पर 1 क्वेश्चन और भी है, तो टोटल 6 क्वेश्चन इसमें हैं, तो इन 6 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। रीजनिंग दरअसल आपकी मेंटल एबिलिटी, आप कितना अलर्ट हैं, आपका दिमाग आईक्यू लेवल क्या है, इसी को ध्यान में रख के होता है, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। मिस्टेक, दिस इज टेकन एज, किसी कोड में ऐसे लिखा, और नैकेट इस कोड में ऐसे लिखा, तो स्टैंड इसे कैसे लिखेंगे। तो कुछ ऐसा मतलब है कि आप 2 4 6 7 2 4 6 7 इन वैल्यूज को यहां रख दीजिए, तो m का वैल्यू 9 हो जाएगा 1 और i का वैल्यू 7 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। वैसे ही नैकेट, n का मतलब 8 होगा, a का मतलब 4 होगा, e का, k का मतलब 1 होगा, e का मतलब 2 होगा, d का मतलब 3 होगा, और इस तरह से हम लोग s का वैल्यू निकाल सकते हैं कि s क्या होगा। तो s यहां पर देखेंगे थर्ड नंबर पर है, तो थर्ड नंबर पर है तो 6 होगा, मतलब आप ऐसे निकाल सकते हैं। निकालना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम है, आपको टाइम सेव करना है, आपके पास नन ऑफ दीज नहीं है। देखिए शुरू में अगर हम नंबर ढूंढते हैं तो 6 2 प्लेसेस पर है, लेकिन लास्ट वाला नंबर देखिए 4 3 5 और 8 सभी अलग अलग हैं, एक से ही पता चल जाएगा। n, n का मतलब क्या है 8, तो लास्ट में 8 होगा, लास्ट में 8 होगा, यानी दिस इज द आंसर। बोलिए ये फर्स्ट नंबर हुआ कि नहीं। हां इसे बनाना है, समझाना है, तो मैं बताता हूं, अब करके दिखाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से तो नहीं होगा ना, क्वेश्चन तो कुछ भी आएंगे, तो आपको तो समझ में आना चाहिए ना कि रूल क्या है, किया कैसे गया। तो जैसे लिखा गया एम आई एस टी ए के ई, तो यहां लिख दीजिए 9 7 6 5 4 1 2, इन वैल्यूज को लिख दीजिए। फिर लिखा गया एन ए के ई और डी, तो इनके वैल्यूज को लिख दीजिए 8 4 8 के बाद 4 फिर 1 2 3, और हमें जो चाहिए स्टैंड एस टी ए आई और एन, तो इनके वैल्यूज ये समझने के लिए एस, एस 6 है तो इसका वैल्यू 6 होगा, यहां लिखता हूं, टी, टी का वैल्यू 5 है तो 5 होगा, ए, ए का वैल्यू 4 है तो 4 होगा, आई, आई का वैल्यू के, आई, आई का वैल्यू 7 है तो 7 होगा, और फिर एन, एन का वैल्यू देखिए 8 है तो 8 होगा, यानी 6 5 4 7 8 6 5 4 7 8, तो ये आंसर होगा। ये दरअसल है, लेकिन इसी काम को हम लोग ढंग से करते हैं, समझ गए। इसको देख लीजिए, जैसे हमने S लिया तो S में कौन सा था, ये वाला था जो जो हमारे काम का था, T5 T, ये वाला काम का था A, ये वाला काम का था I, I देखिए ये वाला काम का था, और N, 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 N देखिए ये वाला काम, हमारे काम का ये था। इसको की समझाना था, बताना था, इसलिए मैंने लिखा, आप देख रहे हैं कि इसमें पेन पेपर की जरूरत है नहीं, ये आप आसानी से वहीं पर बता दे रहे हैं। उसी तरह से देखिए अगले में,
लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक बात है कि नन ऑफ दीज है, तो वो काम करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए फिर भी हम लोग देखते हैं, करते हैं। आई रिलेशनशिप पहले ढूंढना होगा। जी अगर इस गैम्बल को इस तरह से किसी कोड में लिखा जाए तो फ्लावर को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा, ये सवाल है। तो जी कुछ देखिए, यहां आई है तो जी एच आई प्लस टू हुआ ना, ए बी सी प्लस टू हुआ ना, एम एन ओ प्लस टू हुआ ना, एनएफ बी सी डी प्लस टू हो रहा है। तो बस वही देखते हैं, उसी के आधार पर बनाते हैं। एफ है तो जी एच, तो एच हो गया ये, एफ के बाद जी एच, एच कहीं है नहीं, लेकिन नन ऑफ दीज हो सकता है, इसलिए आप चेक कीजिए। एच एल के बाद एम एन यस, ओ के बाद पी क्यू यस, इसमें कितना टाइम लगता है। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, ई के बाद एफ जी और आर के बाद एस टी, इसलिए आंसर है। इस ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास टाइम भी है और हम गलत होने नहीं दे सकते, क्योंकि नन ऑफ दीज यहां है, ऊपर नहीं था, इसलिए हमने उस वो काम किया था। तो ये समझ गए सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बात करता हूं। थर्ड क्या है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है। राम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्ड 2 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर वेस्ट एंड फाइनली 6 किलोमीटर साउथ, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस। इतना फिगर ड्रॉ करने का समय नहीं है, जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देना है। लेकिन आप जानते हैं कि ऊपर सिर की ओर ऊपर नॉर्थ होता है, डाउन में साउथ होता है। आपके राइट साइड में आपका राइट साइड ईस्ट होता है और आपका जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट होता है। तो लिखने की क्या जरूरत है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, पता है, नहीं लिखते हैं, ठीक है, लिखते नहीं है, या लास्ट पे लिख भी देंगे पर जरूरत नहीं है। तो उसका हाउस मान लीजिए कि ये उसका हाउस है और यहां से वो जर्नी शुरू करता है। तो वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर एक रिलेटिव डिस्टेंस मानिए, हमने इसको 2 किलोमीटर कहा, तो एक अनुमान होना चाहिए कि 2 आपने किसको कहा, 2 किलोमीटर कहा, वो नॉर्थ जाता है, ओके। 3 किलोमीटर वेस्ट, यहां के बाद वेस्ट, वेस्ट किधर है, इधर है, लेकिन 3 किलोमीटर है, तो एक रिलेटिव डिस्टेंस होना चाहिए कि भाई जितने बड़े को हमने 1 2 3 कहा तो 3 यहां होना चाहिए, तो यहां ये 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर है कि फाइनली 6 किलोमीटर साउथ, तो साउथ किधर है, डाउन, डाउन में आप थोड़ा ध्यान रखिए कि यहां से यहां तक जो है, यहां तक जो है तो 2 किलोमीटर होगा ना, और 6 होना है तो फिर डिस्टेंस भी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए ऐसे ऐसे ऐसे, 2 है तो करीब करीब यहां होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा 6 किलोमीटर है यहां से यहां तक जो कि वो आता है, पर ये 2 किलोमीटर है हमें पता है, तो ये क्या हुआ, ये वाला 4 किलोमीटर और ये 3 है तो ये भी हुआ 3 किलोमीटर। तो घर से अभी वो कितना दूर है, कहां पहुंचा, आप देखते हैं कि ये सभी 90 डिग्री पर होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका ये हाइपोटेनस है जो हमें बताना है, और ये बेस परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, ये तो आपको आपको याद भी है, 3 4 है तो ये 5 होता है और ये आंसर है। लेकिन फिर भी इसको निकालते हैं, ये क्या होता है, 3² + 4² आप जानते हैं हाइपोटेनस यानी कि 9 + 16 यानी कि √25 यानी कि 5 यानी 5 किलोमीटर आंसर, ए इज द आंसर। बोलिए इस समझे कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी, अल्फाबेटिकली होता है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए एल आई तो सब में है, तो सब में है, उसके बाद टी है, पी है, बी है, बी है, तो पहले बी आएगा ना, यानी हम लोग थर्ड एंड फोर्थ में बात करते हैं जो शुरू में आएंगे। बी के बाद ई है और बी के बाद आर है, तो पहले ई आएगा ना, ई का मतलब 3 और तब 4, तो 3 एंड 4, 3 4,
तो इसी में आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ नंबर का जो आंसर हुआ वो यही हुआ, दैट मीन्स 3412 इज द आंसर, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आगे आई नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, इंसर्ट द मिसिंग नंबर, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। इसमें रिलेशन ढूंढने हैं, तरह तरह से हो सकता है, कभी स्क्वायर होता है, कभी क्यूब होता है, कभी इधर से होता है, कभी उधर से होता है, तरह तरह से होता है, एक से ज्यादा लॉजिक काम करते हैं। कई बार दिखता है कि इधर से 3 times है तो फिर इधर से तो नहीं हुआ ना, इधर से हुआ, इधर से 3 times है तो इधर से 3 times हुआ, और इधर से 3 times है तो इधर से 3 times हुआ, ऐसा भी दिखता है। कभी 54 × 2 = 108, 18 × 6 भी 108, तो उसी तरह से 81 × x और 27 × y ये भी दिखता है, लेकिन इसमें से दिखना वो चाहिए जो साफ साफ आंसर दे, आंसर दे। 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54, यानी इधर से 1/3, 1/3, 1/3, इधर से 1/3 यानी 27 3 जा, इधर से 1/3, 1/3 यानी 9 3 जा, यानी कि ये आंसर यहां पर 9 न हुआ। फिर इधर से 1/3, इधर से 3 times, क्या इधर 3 न हुआ? 3 and 9 are the answers, बोलिए हुआ कि नहीं? तो 3 and 9 यानी ए नंबर आंसर। ठीक है, और अब लास्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर देखिए, ये रिलेशनशिप वेन डायग्राम का बताना है, उसकी उसका मीनिंग आप जानते हैं तो रिलेशनशिप भी जानते हैं। हाउस बेडरूम एंड बाथरूम आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच वेन डायग्राम। देखिए इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है, हाउस एक घर होता है, उसके अंदर बेडरूम होते हैं, तो हाउस जितना बड़ा होगा उसके अंदर में ही कहीं बेडरूम होगा। ठीक, रेयरली पूरा का पूरा हाउस को एक बेडरूम बना दीजिए तो एक्सेप्शनल है, यानी उसके बराबर हो सकता है बेडरूम, नहीं तो उसके उससे छोटा होगा, क्योंकि बेडरूम के अलावा भी दूसरे रूम होंगे, इसका मतलब उसके अंदर है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाउस से बाहर बेडरूम हो गए तो नहीं हो सकता, अगर हाउस से बाहर बेडरूम हो गए तो हो नहीं सकता, ये दोनों तो खत्म है, इसका कोई मतलब नहीं है। सीओडी में हाउस के अंदर बेडरूम होगा, सिर्फ हाउस और बेडरूम का रिलेशनशिप देख लेने से ए और बी कट जाता है। बेडरूम एंड बाथरूम, तो बेडरूम हाउस के अंदर बेडरूम हुआ, तो बेडरूम और बाथरूम, तो बेडरूम और बाथरूम तो अलग अलग होंगे ना, एक तो साफ साफ होता है कि एक बेडरूम हुआ और एक अलग कहीं बाथरूम हुआ, यानी दिस टाइप। आप बोलिएगा ऐसा क्यों नहीं होगा, अटैच्ड बाथरूम में तो होता है, अटैच्ड बाथरूम को भी तो बाथरूम ही बोलेंगे ना, दरवाजा खोलिए बेडरूम से अलग, बेडरूम से अलग खोलिए, बेडरूम में अटैच्ड बाथरूम, लेकिन बेडरूम तो यहीं तक हुआ ना, अटैच्ड होने से क्या हुआ, वो तो बाहर हुआ, समझ में आ गया, यानी आंसर इज सी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग एक सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दो सेक्शन मिला करके, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जनरल स्टडीज इंक्लूडिंग साइंस है। मैं इंक्लूडिंग बोल देता हूं, एग्जाम में तो अलग अलग है, और साइंस पर विशेष जोर है, फिजिक्स केमिस्ट्री हेल्थ साइंस बायो, और प्लस जिसको जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री बोलते हैं, जनरल स्टडीज बोलते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ है, मैं उसमें भी आपके लिए कुछ करूंगा, जल्दी ही उसकी भी सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, एग्जाम को ध्यान में रख करके। लेकिन मैं आपको आपको याद नहीं कराना चाहता, घुटाना नहीं चाहता, पिलाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं नेचुरली देखिए चीजें आपको याद हो जाए, कहीं भी आपको दबाव महसूस नहीं हो। फिर मैंने जो ये श्रृंखला शुरू की है वो आपको कैसी लगी, क्या ऐसी श्रृंखला को मैं आगे जारी रखूं, आप इस पर कमेंट्स करेंगे, उसके अनुसार मैं आगे के बारे में भी स्ट्रेटजी तय करूंगा कि इसको ऐसे चला जाए, इसको शुरू किया जाए या कुछ और किया जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।